सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट जो कि बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के संबंधित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के आते हैं और उन क्वेश्चन को क्लियर करने में आप लोगों को समस्या हो जाती है। कई बार कुछ स्टूडेंट 5 में से 3, 5 में से 2 ये क्वेश्चन कर पाते हैं। बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं, सपोज किया कि मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया, पहला क्वेश्चन कुछ भी दिया गया आपको और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, 1, 2, 3 और ये 4th ऑप्शन आपको दिया गया। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देते हैं तो वो आंसर लिखते हैं और आंसर में अगर उनको पहला ऑप्शन सही लगता है तो पहला कर देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत होगा। ये कॉपी चेक करने वाले टीचर्स के ऊपर गलत प्रभाव डाल देता है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें जैसे यहां पर पहले ऑप्शन में मान लीजिए कोई आंसर है ए, इसमें बी है, इसमें सी है, तो इसमें डी है, कुछ भी है। अगर हमें लगता है कि नंबर 2 या नंबर 1 वाला ऑप्शन सही है तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन का नंबर नहीं डालना चाहिए, हमें चाहिए यहां पर लिखना चाहिए उसका आंसर कि इसका ए सही है, या अगर आपको लगता है कि बी सही है तो यहां पर लिख देना चाहिए बी। तो इसे चेक करने में एग्जामिनर को थोड़ी सी सहूलियत रहती है। चलिए आगे हम देखते हैं अपने कंटेंट पे, फिर से कंसंट्रेट करते हैं। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो डी ब्लॉक से संबंधित होंगे और साथ साथ में हम प्रश्न रसायन चैप्टर से भी कुछ ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है संक्रमण तत्वों में, पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व निम्नलिखित में से है, एक क्वेश्चन ही और इसके 4 ऑप्शन है। मैंने क्वेश्चन क्या बताया कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व निम्नलिखित में से है, मतलब कौन सा है। तत्व तो आपको दिए जाएंगे यहां से 1 ऑप्शन आपको दिया गया 37A, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए इसमें से, जैसे कि मैं मान लू यहां से 47B, और तीसरा ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है कि 57C, और चौथा ऑप्शन यहां पर आपको एक और ऑप्शन है 30D। ये क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, लेकिन उसमें से जिंक है, मरकरी है और कैडमियम है, इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, पहले नंबर पर इसे फोकस करना चाहिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि जिनका जिनमें डी उपकोष में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वे आपको संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि संक्रमण तत्वों में से 4D श्रेणी, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं, 4 श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। यहां से पहले नंबर पे आपको बता दें कि 3D जो श्रेणी होती है
थ्री डी श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। थ्री डी श्रेणी में 21 स्कैंडियम से लेकर के 30 जिंक तक के 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और 3D के बाद में नंबर आता है 4D श्रेणी का, जिसमें इट्रियम, इट्रियम से स्टार्ट करते हैं और कैडमियम तक जाते हैं। इट्रियम मतलब 39 से 48 कैडमियम, इसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग 4D श्रेणी। 4D श्रेणी इसलिए बोलते हैं कि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में ही जाएगा, और 4D उपकोष में जाएगा तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, 4D श्रेणी का तत्व बोलेंगे। अब यहां से आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि 4D श्रेणी में कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखिए यहां से 39 इट्रियम से लेकर के 48 कैडमियम तक की जितने भी तत्व होंगे, 39, 40, 41, 42, 43, 48 तक, तो 48 तक के हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको बताते चलें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल कभी कभी जैसे कुछ छोटे मोटे कंपटीशंस, जैसे कभी कभी TGT में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी सुपर टेट और टेट इस टाइप के कंपटीशंस में भी ये सामान्य क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहां पे है आपका कि n-1 d 1 to 10 कमा n s 1 to 2। ये पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन है आपका n-1 d 1 to 10 n s 1। दो ऑप्शन आपके सामने ये हैं। आप यहां पर अपना दिमाग लगा सकते हैं कि किस कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका है सी नंबर, n-1 d 1 to 10 और n s 2। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन इसका n-1 d 1 to 10 n s 0। चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक तरीका बता देते हैं। यहां से देखिए, आपको मालूम है कि जनरल तौर पर चार प्रकार की श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D में मैंने बताया आपको, 4D बताई, 5D बताई और 6D बताई। संक्रमण तत्वों की यही चार श्रेणियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे काम कर लेता हूं बहुत जनरल सा तरीके से कि 21 स्कैंडियम। अभी मैंने बताया था कि 21 से लेकर के 30 जिंक तक ये जो श्रेणी होती है 3D श्रेणी होती है। क्योंकि संक्रमण श्रेणियां चार ही हैं, तो
तो चाहे हम जिसमें से ले लें हमको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा। 10 18 20 और 1 21। तो चलिए, एक तो मैंने यहां पे इसका किया और दूसरा मैं एक और कर लेता हूं, 22 टिटेनियम। 22 टिटेनियम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखिए कि अगर हम बाह्य कोष की बात करें, अगर बाह्य कोष की बात करते हैं तो ये हमारे पास में, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 4s2 लिख सकते हैं और यहां पर भी हम ले सकते हैं 4s2 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो बाह्य कोष तो हमारा ये हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहां पर आप जरा चेक करिए, चेक ये करना है कि उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या आती है यहां पर 4 और यहां पर भी आती है 4, ठीक। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश पाता है वो किस में जा रहा है, 3d में, इसमें भी और इसमें भी। जब 3d में जा रहा है, मैंने यही तो बताया आपको कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में जाएगा, 3d ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो इसका मतलब है कि वहां संक्रमण तत्व 3d श्रेणी का सदस्य होगा। ऐसे ही अगर 4d श्रेणी में जाता है तो वह सदस्य 4d श्रेणी का होगा, और अगर 5d में गया, 6d में गया, तो इसी क्रम से वो 5d का सदस्य और 6d का सदस्य हो जाएगा। अब यहां पे मैंने लिख रखा है n-1। n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, तो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या यहां पर 4 है और 4 से 1 प्लस कर दोगे वह n-1 है ना, तो 4 में से 1 घटा दोगे तो 3 ही आ जाएगा, तो 3 हो गया यहां से, तो ये हो गया 3। और इसमें देखिए डी में इलेक्ट्रॉन 1 है, अगले में 2 है, अगले में 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो फिर यहां पर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा n-1 d 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, और यहां से ये n इसमें भी 1 से लेकर के 2 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, n-1 to 10 ns 1 to 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। यहां पर सिर्फ इसकी गारंटी नहीं ली जा रही है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में और अपनी बुक्स में जो भी बुक आप पढ़ते हो वहां से आपको ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये मैंने टॉप मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस में से सेलेक्ट किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दी है उसमें भी आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। एक यहां पर क्वेश्चन और है, निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। नंबर 3, निम्नलिखित में से निम्न लिखित में से अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है Zn+2, दूसरा ऑप्शन है Ni+3,
प्लस टू। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कॉपर का Cu प्लस, और चौथा ऑप्शन है Ag प्लस। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहां से हम लोगों को सिलेक्ट करना है कौन सा अनुचुंबकीय आयन इसमें से होगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे किसी ऑर्बिटल में तो फिर वो अनुचुंबकीय हो जाएगा या उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और अगर ऑर्बिटल्स के अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उनको, डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। चलिए कैसे इसको हम जानेंगे तो उस चीज को भी देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हमको इनके एटॉमिक नंबर्स मालूम होने चाहिए। एटॉमिक नंबर्स जब मालूम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे हम लोग। पहला मैं सिलेक्ट यहां पे चेक कर लेता हूं कि ये है कि नहीं है, तो Zn 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर। यहां पर हम क्या करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप कोर करें, मैं दोनों चीजें बता देता हूं यहां से, और यहां पे आएगा 3d10 आ जाएगा, और 3d10 हो जाएगा। ये मैंने तब की बात लिखी है जब इसके ऊपर चार्ज प्लस टू का होगा, तब की बात है। ठीक, मैं इसको चेक करा देता हूं, आपको पूरा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा। देखिए जिंक 30 होता है, Zn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंने Ar लिख दिया है आर्गन, इसका मतलब ये होता है कि देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10 हो गए यहां पर, 10, 2, 12 और 6, 18। यहां से यहां तक की जो बात हो रही है वो काहे की होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का। और जब इस प्रकार से हम कर देते हैं आर्गन का, ये हो गया, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। फिर देखिए क्या बचता है आपके पास में, 4s2 बचता है और 3d10 बचता है, क्योंकि यहां पर प्लस का 2 चार्ज है, और जब प्लस का 2 चार्ज हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा Ar, इसको कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, 3d10। ऐसा हम तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। अगर हम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज करते हैं तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कठिनाई आने पर हम उसको सरल करने के लिए इस टाइप से लिख लेते हैं। चलिए 3d10 की बात हो गई यहां से, तो इसका मतलब है कि आप देखो यहां से कि d ऑर्बिटल यहां पे है और d ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप चेक करो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे कुंड के नियम से ऐसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हैं, पेयर्ड हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर युग्मित हैं, इसलिए ये तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है अनुचुंबकीय, तो ये ऑप्शन पहला वाला क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक, मतलब ये जो Zn प्लस टू है ये वाला प्रतिचुंबकीय है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इस ऑप्शन को हम लोग नहीं ले सकते। इसके बाद आता है निकिल, ये 30, निकिल 28, और इसके ऊपर भी प्लस टू का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये
3D8 हो जाएगा, 3D8 हो गया ठीक। और 8 हो गया तो यहां से आप देख लो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। यहां पर आपको मिल रहे हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हालांकि आंसर हमको मिल गया है, आंसर हमारा जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यहां से इसके बाद में हम लोग देखते हैं Cu+, तो Cu+ कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, यहां पे लिखेंगे आर्गन और यहां पर क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10, लेकिन प्लस है तो ये 4s क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहां से, और d हो गया तो इसका मतलब है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इसमें युग्मित होंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला सही हो गया, तीसरा वाला भी आपका सही हो गया। चौथे की बात करते हैं, यहां से चौथा है सिल्वर और इसका एटॉमिक नंबर 47। यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो यहां पर क्रिप्टन Kr और यहां से भी ये 4s1 हो जाएगा और ये 3d आपका 3d की जगह पे आप करना पड़ेगा, यहां पर 4d करना पड़ेगा, ये 4d10 हो जाएगा। और चूंकि प्लस यहां पे है इसलिए ये तो जीरो हो जाएगा यहां से, और d ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 10 हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय ये भी हो गया, प्रतिचुंबकीय यह भी हो गया। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, Ni+2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय रहेगा। ध्यान से पढ़िए इसको, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलता है। अब इसी के अगेंस्ट, इसी से रिलेटेड दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ लेते हैं कि इसमें से प्रतिचुंबकी कौन सा है, कौन सा आयन प्रतिचुंबकी है, प्रतिचुंबकी है। तो इसमें भी आपको हम ले लेते हैं 4 ऑप्शन। एक पहला ऑप्शन लेते हैं Cu+2, दूसरा ऑप्शन लेते हैं Fe+2, तीसरा ऑप्शन लेते हैं यहां से, तीसरा ऑप्शन लेते हैं Ni+2, Ni+2 और चौथा लेते हैं Zn+2। अब इसमें से प्रतिचुंबकी कौन सा है तो ये आपको सिलेक्ट करना है, प्रतिचुंबकी और कौन सा इसमें ढूंढेंगे हम लोग, चेक कर सकेंगे। तो चेक करेंगे कैसे, सबसे पहले वही काम क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉन Cu+2 मतलब 29 क्या बनता है यहां पर, आर्गन, आर्गन ले लेंगे और इसके बाद में 4s1 और 3d10, 4s1 और 3d10। जब यहां पर प्लस टू है तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एक अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मैं बना देता हूं यहां से, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो यहां से देखिए आप 1, 2, 3 और ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय हो गया तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अनुचुंबकीय। इसी की जगह पे दूसरा लेते हैं 26 Fe+2 Ar आर्गन 4s
टू और 3d 6। जब यहां प्लस टू है तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जाकर के, तो मतलब यहां पर भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आते हैं 28Ni+2, क्या बन जाएगा यहां से, आर्गन 4s2 3d8 हो जाएगा, प्लस टू है इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, ये भी हो जाएगा यहां से। आपको ये गलती नहीं करनी है कि अंदाजे में फटाक से कर देंगे, थोड़ा सा आप रफ वर्क करिए और आराम से करिए क्वेश्चन को, धैर्य बना करके, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए। 6, 7 और 8, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब आती है बात जिंक की, तो जिंक में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिंक का पूरा लिखेंगे। देखिए जिंक Zn+2 Ar 4s0 और 3d10, और 3d10 हो गया तो आप देख लो यहां से 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। सभी इलेक्ट्रॉन यहां पर युग्मित है इसलिए ये कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो गया। जिसे नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, याद है ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है, संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है, तो अभी आपको मैं बता देता हूं, हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वे सभी तत्व जिनमें डी उपकोष में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें कहते हैं हम लोग संक्रमण तत्व, और ये संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। तो अभी बात ये आती है कि वेरिएबल या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, जब कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है तो उसे हम बोलते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। जैसे ऑप्शन इसमें दिया गया, पहला टिटेनियम, दूसरा वेनेडियम, तीसरा आयरन और चौथा ऑप्शन दिया गया है जिंक। कौन सा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। कई बार यहां पे स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं, पूछा गया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वो ऑप्शन कर जाते हैं कि कौन वाला करता है। तो इसमें से मैंने पहले बताया था कि जिंक जो है, जिंक में सभी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए ये तो संक्रमण धातु ही नहीं है, और जब ये संक्रमण धातु ही नहीं है तो फिर यही ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहां पे तो सीधा सीधा आंसर मिल गया कि देखिए ये तो आपका 3d सीरीज के तीनों सदस्य लिखे हुए हैं, ये तीनों 3d श्रेणी के सदस्य होंगे, टिटेनियम 22 टिटेनियम, 23 वेनेडियम
और 26 आयन, ये 3D श्रेणी के सदस्य हैं जो कि संक्रमण धातु है, जबकि जिंक कैसा है, संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। जिंक, मरकरी और कैडमियम को हम लोग संक्रमण धातुओं की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहां पे आपको दिया गया है कैल्शियम, दूसरा आयरन, तीसरा लेड। कैल्शियम, आयरन और लेड, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि मालूम है इसमें मेरा एक ऑप्शन ऐसा भी है जो मेरा फेवरेट है। कौन सा है, आप सभी को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन फेवरेट है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा जो फेवरेट है वही हो जाएगा, जी नहीं। देखिए आपको एक यहां पर टिप दे देते हैं, जो उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं वो ज्यादातर डी ब्लॉक में ही होते हैं। तो आप सबसे पहले दिमाग यहां पे लगा लीजिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन सा हुआ है इसमें से कि नहीं। तो ये देखिए, ये तो आपका कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। लेड कार्बन परिवार का सदस्य है, ये कार्बन परिवार का सदस्य। कसाई जी सुन लो, मैंने बताया आपको, कसाई जी सुन लो, उस फैमिली का है ये। और ये जो आता है ये आपका डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक और 3D श्रेणी का ये सदस्य है ये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आयरन। एक तो लॉजिक ये हो गया, दूसरा आपने रिएक्शन पढ़ी होगी N2+3H2 और यहां से आपने आयरन उत्प्रेरक लिया होगा, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक लिया होगा, तो बना होगा 2NH3। ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि में भी यूज किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन तो बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। क्वेश्चन बहुत सरल है ये कि कौन सा तत्व तो उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करेगा, तो सीधा सा आंसर है आयरन यहां पर उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं और अगले ऑप्शंस यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा में और छोटे मोटे जो जनरल टेस्ट होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले चैप्टर का हम देखते हैं यहां पर है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। ऑप्शन तो हम इसके बाद में चेक कर लें, चलिए पहले ही ऑप्शन लिख लेते हैं, द्रव में गैस। पहला ऑप्शन है द्रव में गैस, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है गैस में द्रव, गैस में द्रव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्रव में द्रव, और चौथा ऑप्शन दिया गया है
द्रव में ठोस। अच्छा बात कर लेते हैं कि बहुत बार आप सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कोलाइडी निकाय क्या है। पढ़ने के बावजूद भी आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, फिर भी आप भूलते रहते हैं कि कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन क्या चीज है। तो जनरल बात में बताता हूं यहां से कि जैसे आप विलयन पढ़ते हैं, विलयन, और विलयन का मालूम है विलयन क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन। पहला क्या होता है, विलायक, और दूसरा क्या होता है, विलेय। किसी विलयन का संगठन जो होता है वो विलायक और विलेय से होता है। कोलाइडी विलयन क्या है, देखिए कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में क्या करेंगे, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था। प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था, ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो जिस प्रकार से विलायक को हम देखते हैं, उसी प्रकार से हम विलायक की जगह पे क्या यूज करेंगे, शब्द यूज करेंगे, प्रक्षेपण माध्यम, और दूसरा जो विलय है उसकी जगह पे ले लेते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। अगर प्रक्षेपण माध्यम, अगर प्रक्षेपण माध्यम वायु हो जाए, ठीक, तो इस कोलाइडी विलयन को हम बोलेंगे एयरोसोल, ये इसका नाम है। अगर प्रक्षेपण माध्यम हम ले लें बेंजीन, मतलब विलायक, विलायक अगर वायु ले लें तो एरोसॉल, और विलायक अगर हम बेंजीन ले लें तो कोलाइडी विलयन जो होगा उसका नाम हो जाएगा बेंजोसॉल। ये, और अगर यहां पर हम विलायक के रूप में अल्कोहल ले लेते हैं तो इसको बोलेंगे अल्कोसॉल, और इसी की जगह अगर हम द्रव जल ले लें, अगर जल विलायक के रूप में ले लें तो बोलेंगे एक्वासॉल। इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। याद कर लीजिए, यहां पर अगर कोलाइडी विलयन का प्रक्षेपण माध्यम वायु है तो कोलाइडी विलयन को हम क्या कहेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। बेंजीन है तो बेंजोसॉल, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, और अगर जल है तो फिर उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे एक्वासॉल। तो आप यहां से जरूर ध्यान ले लीजिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है कि द्रव में द्रव। आप देखिए सुबह सुबह पढ़ने आते हैं तो क्या करते हैं, साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर बूंदे इकट्ठा हो जाती है कोहरे में, और आप आते कहां में, हवा में आते हैं। मतलब ये जो बूंदे हैं, ये जो द्रव है, ये कहां है, वायु में है। कोहरा कहां से बना, वायु प्रक्षेपण माध्यम हो गया, और द्रव क्या हो गया, प्रक्षिप्त प्रावस्था हो गई। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि गैस में द्रव, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, झाग अथवा फोम। झाग अथवा फोम, झाग या फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो यहां पर भी गैस में द्रव ऑप्शन पहला दिया गया है, गैस में द्रव, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है द्रव में द्रव, तीसरा ऑप्शन है द्रव में गैस, और चौथा ऑप्शन है गैस में ठोस। ये दिए गए,
अब आपको बता दें, बड़ा आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। बचपन में ज्यादातर बच्चे इस प्रकार का कोलाइडल व्यंजन बनाते हैं। कैसे? जैसे पानी है, एक पात्र में आपने जल ले लिया और उसमें बहुत जोर से फूकी, क्या बनेगा? झाग बनेगा। जल है, उसमें साबुन घोल दीजिए, देखा होगा बच्चों को, एक सीक से लेकर के फूल आते हैं, गुब्बारे फूल आते हैं, और उसमें खूब जोर से फूकते हैं तो बहुत से बुलबुले या झाग उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? द्रव में गैस। द्रव में गैस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द्रव में गैस, ये आपका द्रव, इसमें सीख से फुलाइए तो झाग बनना शुरू हो जाता है। मतलब द्रव के अंदर क्या किया आपने? फूक मारी, गैस पहुंचाई उसके अंदर, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? द्रव में गैस प्रकार का कोलाइडी निकाय हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है, देखिए भाई अभी मैंने बताया आपको, वही क्वेश्चन आ गया कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है, जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है? तो बना हुआ सॉल कहलाता है। अभी भी मैंने बताया, पहला ऑप्शन यहां से कि एरोसॉल, दूसरा ऑप्शन यहां से बेंजोसॉल, तीसरा ऑप्शन यहां से एल्कोसॉल और चौथा ऑप्शन यहां से हाइड्रोसॉल या फिर एक्वासॉल बोलते हैं। अभी भी मैंने बताया था कि अगर परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक, ठीक है, अगर परिक्षेपण माध्यम वायु है तो फिर वो क्या कहलाएगा? एरोसॉल कहलाएगा। एरोसॉल परिक्षेपण माध्यम, इसमें क्या होगा? बेंजीन होगा, इसमें क्या होगा? एल्कोहल होगा, और इसमें क्या होगा? जल। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इसको कर पाए तो। फिर मैं तो ये कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से, कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की या शोधन करने की विधि है। पहला ऑप्शन है इसमें अपोहन, डायलिसिस। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आपको स्कंदन। तीसरा ऑप्शन है पेप्टीकरण और चौथा है ब्रेडिक आर्क विधि। ब्रेडिक आर्क विधि, आपको बता दें यहां से कि स्कंदन में क्या होता है? ब्रेडिक आर्क विधि जो है वो कोलाइडी विलयन बनाने की है, शोधन करने की नहीं। ये हो गई कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। ये पेप्टीकरण है कि ताजा बने हुए अवक्षेप को कोलाइडी विलयन, ये भी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है, ठीक, ये भी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि हो गई। स्कंदन क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य मिलाकर के उसे उदासीन कर दिया जाता है, मतलब अवक्षेप बनाने की विधि है, या उसको थक्का बनाने की विधि है। तो ये तीनों विधियां तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की नहीं है, अपोहन विधि है।
अपॉन दो प्रकार की विधियां हैं, एक एक इलेक्ट्रो डायलिसिस मेथड है, वैद्युत अपॉन है, और एक नॉर्मल अपॉन है। अपॉन में क्या करते हैं कि पात्र में झिल्ली से बने हुए थैले में कोलाइडी विलयन को भर देते हैं, जिससे कोलाइडी पार्टिकल्स जो होते हैं पात्र में झिल्ली को क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन नंबर ए अपोहन सही हो जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे आज की डेट में, और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार की परीक्षा में, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेंगे कि पर्पल ऑफ कैसियस क्या है। पर्पल ऑफ कैसियस है कौन सा है ऑब्जेक्टिव नंबर ऑप्शन नंबर वन। पहला इसमें है कि FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस सॉल्ट। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है AU सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट जिसको बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसमें है सल्फर सॉल्ट। और चौथा ऑप्शन है ये AS2S3। यहां से मैं आपको बता दूं कि ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड मतलब 2AuCl3, और इसका अपचयन SnCl4 के द्वारा हम लोग कराते हैं। टिन क्लोराइड SnCl3 से जब अपचयन कराते हैं तो बैंगनी रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है, और जो बैंगनी रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होगा ये 2Au प्लस 3SnCl4, ये बैंगनी रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं कैसियस, पर्पल ऑफ कैसियस, पर्पल ऑफ कैसियस। तो ये एक नंबर में भी क्वेश्चन अलग से आता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि पर्पल ऑफ कैसियस किसे कहते हैं। तो क्या है यहां से कि जब आरिक क्लोराइड, लिख लीजिए, हम लिख देते हैं आरिक क्लोराइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो बैंगनी रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है। कोलाइडी गोल्ड लिख लीजिए, यहां पर अगर लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है जिसे कहते हैं कैसियस ऑफ पर्पल कहते हैं। याद कर लीजिए, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है यहां पर कि कैसियस ऑफ पर्पल किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही होता है, AU सॉल्ट को क्या बोलते हैं। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वह भी कर लेते हैं। फिलहाल यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि कैसियस ऑफ पर्पल या पर्पल ऑफ कैसियस किसे कहते हैं, तो कोलाइडी गोल्ड को या गोल्ड सॉल्ट को क्या कहते हैं, कैसियस ऑफ पर्पल कहते हैं। कैसे बनता है, आरिक क्लोराइड की का अपचयन स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं तो बैंगनी रंग का कोलाइडी गोल्ड प्राप्त होता है जिसे कहते हैं हम लोग हैं। अगला ऑप्शन देखिए ए बी सी व डी सॉल की गोल्ड संख्या दी गई है, सॉल की गोल्ड संख्या या जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या दी गई है, स्वर्ण संख्या क्रमशः आपको दिया गया 0.001,
एक दे दी गई है, दूसरी दी गई है 0.15, तीसरी है यहां से 20 और चौथी है 25, ये दी गई है। मतलब ए की जो स्वर्ण संख्या है वो कितनी है 0.001, बी की जो है वो कितनी है 0.05, सी की जो है वो 20 और डी की जो है वो 25 की स्वर्ण संख्या दी गई है। तो सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइट कौन सा होगा? तो सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइट कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। अब आपको बता दें कि रक्षी कोलाइट के लिए हार्डी सुलझन ने एक नियम दिया है और साथ साथ में यहां पर जो स्वर्ण संख्याएं दी गई हैं उसमें भी बताया गया है कि जिसकी स्वर्ण संख्याएं सबसे कम होंगी या जिसकी स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम होगा वह सबसे अच्छा रक्षी कोलाइट कहलाएगा। ऑप्शन यहां पे आपके सामने है, कौन सा सही होने वाला है इसमें से? पहला में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी और चौथे में डी। तो इसमें से आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। यहां पर मैं एक और हिंट देता हूं कि रक्षण क्षमता प्रोपोर्शनल टू 1/ स्वर्ण संख्या, या इसी को हम लोग स्वर्णांक भी कहते हैं, स्वर्णांक भी कहते हैं। तो जितनी ज्यादा स्वर्ण संख्या होगी रक्षण क्षमता उतनी कम हो जाएगी। तो अगर हमको रक्षण क्षमता की जानकारी लेनी है तो आप देखिए सबसे कम संख्या यहां पर क्या है 0.001, मतलब ए की रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो होगा वो कौन सा होगा आपका ए। इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत काजे से तैयार करिए और जुट जाइए इन क्वेश्चंस को तैयार करने में। दो चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए आपको यहां पर, एक डी ब्लॉक है और एक ये प्रश्न सेट। उम्मीद है कि परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आएंगे। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिल सके। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।